राम, श्री राम। इस सुनसान में हमारे प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला ये कौन हो सकता है? कहीं कोई मायावी तो नहीं? ठहरो, मैं पूछता हूं। श्री राम, आप कौन हैं भाई जो हमारे प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं? कृपया अपने मूल रूप में आइए और अपना परिचय दीजिए। मैं कश्यप ऋषि का वंशज, अरुण और शैनी का पुत्र, गिद्धराज संपाती हूँ। गिद्धराज संपाती? अर्थात जटायु के अग्रज? क्या जटायु आपके छोटे भाई थे? हाँ, जटायु मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन आप लोग कौन हैं? और आप लोग जटायु को कैसे जानते हैं? और आपने ये क्यों कहा कि जटायु मेरे भाई थे? क्या वो नहीं रहे? गिद्धराज संपाती, आप जटायु के भाई हैं यह जानकर प्रसन्नता हुई, परंतु मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि श्री राम की धर्म पत्नी सीता मैया की रक्षा करते हुए जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। जटायु, मेरे प्रिय भाई जटायु, तुम धन्य हो जटायु जो सीता मैया की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए। परंतु आप लोग कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? हम सब यहां सीता मैया की खोज में निकले हैं और मैं प्रभु श्री राम का एक सेवक हनुमान हूं। हनुमान? राम भक्त हनुमान, आप आ गए। मैं वर्षों से आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी प्रतीक्षा? परंतु क्यों? हनुमान, यह एक लंबी कथा है। एक बार हम दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि हम सूर्यदेव के रथ के पास पहुंचकर उनके दर्शन करेंगे। हम दोनों उड़ चले, परंतु सूर्यदेव की तीव्र किरणों से हमारे पंख जलने लगे। मैंने जटायु को अपने पंखों से ढक लिया और जलने से बचाया। जले हुए पंख लेकर मैं चंद्रमा ऋषि के आश्रम में गिरा और जटायु उड़कर दंड का ऋण की ओर चला गया। चंद्रमा ऋषि ने मेरा उपचार किया और यह भविष्यवाणी की कि जब श्री राम के दूत हनुमान देवी सीता का पता पूछते हुए यहां आए तो तुम उन्हें उनका पता बता देना। गिद्धराज संपाती, क्या आप हमें सीता मैया का पता बता सकते हैं? हाँ हनुमान। तो बताइए गिद्धराज, बताइए। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अभी आपको बताता हूं कि इस समय सीता मैया कहाँ है। प्रत्यक्ष देख रहा हूं, एक सुंदर वाटिका है जहां एक वरगद वृक्ष के नीचे चबूतरे पर देवी सीता शोकमग्न बैठी है। उनके आसपास राक्षसियों का पहरा है। हनुमान, यह जगह त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। हनुमान, आप लंका पहुंचने का प्रयत्न कीजिए। यह कार्य आपके लिए कठिन नहीं है। मेरा कार्य पूर्ण हुआ वीर हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
धन्य हो गिद्धराज संपाति, तुम धन्य हो।